अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जो आइटल का मोबाइल है उस पर भी इस तरह टॉकिंग मोड लग चुका है तो आप इसको कैसे मीन के अपने मोबाइल फ़ोन में ठीक कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पर इन सेटिंग्स में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिनसे आप क्या कर सकते हैं कि इस टॉकिंग मोड को डिसेबल हमेशा के लिए कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक छोटी सी सेटिंग बताऊँगा जिस सेटिंग की मदद से आप इस ये जो टॉकिंग मोड है इसको हमेशा के लिए मीन के ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आपने मेन्यू वाले ऑप्शन को ओपन करना है। मेन्यू वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर सेटिंग के नीचे आपको एक एक्स्ट्रा वाला बटन मिला, इसको आपने फ्रेंड्स ओपन कर लेना है। इस सेटिंग के ओपन को करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे टॉप पर किंग वॉइस वाला बटन मिल रहा है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 5 से 6 सेटिंग मिलेंगे, इनको आपने वन बाय वन क्या करते जाना है, ऑफ करते जाना है। ऐसे जैसे मैं ऑफ कर रहा हूँ ऐसे फ्रेंड्स आपने वन बाय वन सबको रीड मेन्यू इसको भी ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैक आना है, रीड डायलिंग इसको भी ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपने रीड इनकमिंग कॉल इसको भी फ्रेंड्स ऑफ कर देना है ताकि कोई भी ये जो असिस्टेंट है वो आपका कोई भी मैसेज यहाँ पर बोल कर आपको ना शो करे। उसके बाद रीड टाइमर इसको भी ऑफ कर देना है आपने। ठीक है, फिर से आपने नीचे आना है, वॉल्यूम इसका आपने बिल्कुल ही लो कर देना है अगर आप करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ सारी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक वाला बटन मिला, इस टिक वाले बटन पर आपने फ्रेंड्स क्या कर देना है कि क्लिक कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से आपने चेक कर लेना है आया कि ये सारी चीज़ें ऑफ हैं। ठीक है, रीड मेन्यू ऑफ। ठीक है, सारी चीज़ें हमने टर्न ऑफ कर दी हैं ताकि जब कोई भी चीज़ हम ओपन करें तो ये जो गूगल असिस्टेंट है ये कोई भी हमें वॉइस नोट शो ना कराए। जो आपको टाइम के बाद 1 घंटे के बाद सारी चीज़ें ओपन होती थी या बोलता था वो भी सारी की सारी बंद हो जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।